बंधुगण जमीक आपने जानते कोरोना महामारी पुणी बढ़वे लगी घर रुहतु और सुस्थ रुहतु जदि आपण बाह्य संक्रमण निजक निज पर सुरक्षित रखा चाहती तेज आज भिडियोटी को निहाती देखु बंधुगण एमती समय आपको सर्वदा मुझे काढ़ार सेवन करने कही आसी से आज मुझे आपं दुई प्रकार काढ़ा नहीं आसी काढ़ार आपत सेवन करूँ और आपण पर लोक पीवाक दिंतु देखिए आपड़ बाह्य संक्रमण बंचिक रे आपण को एत शीघ्र कौन भी रोग धरना यही दुईट काढ़ा बनवा बहुत सहज कि घर सामग्री प्रयोग कर बन पारे बंधुगण समय विलंबन कर चलते जाना आपड़ा को केमी बनवे और सेवन केमी करेंगे तापूर्व मुझे कही रखी जदि आप सुस्थ रहा चाहती तेज कमला लेंबू पालंग शाग स्ट्रॉबेरी ड्राई फ्रुट्स ये समस्त सामग्री आपति सेवन करूँ जहाद्वारा आप इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रही है आपूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता जब ठीक र तेज बाह्य संक्रमण बंचिक रे तेज आसतु जाना आज आयुर्वेदिक काढ़ा बनवा विषय कि पूर्व मुझे रखी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना तेज तले सब्सक्राइब बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करनी नोटिफिकेशन बेल पर निहत क्लिक करूँ यादारा आम जो नूत भिड अपलोड करूँ तरह नोटिकेसन आपने प्रथम पारे आम चैनल मध्यम बहुत किसी शिक्षण जिनस आपने शिखा पाए बंधुगण प्रथम जाने आयुर्वेदिक काढ़ा बा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा को बनवाई आपको कौन कौन सामग्री आवश्यकता पड़े आपन को प्रथम तो किसी शुखिला मसलार आवश्यकता पड़े जमीक मुझे डालचीनी खंड नहीं अच्छी एटे मुझे चारज व्यक्ति आज काढ़ा बन देखी आपड़ी जड़े व्यक्ति प्रयोग करेंगे तेज अल्प मात्रा नियंतु एटारे मुझे डालचीनी खंड कि नहीं दुईट बड़ इलायची नहीं बड़ गुजराती आम यहाँ कही था बड़ इलायची आम यहाँ कही था देखो एटारे मुझे गोलमरीच जदि जड़े व्यक्ति आप गोलमरीच प्रयोग करूँ तेज पांच रु दस टी गोलमरीच प्रयोग करूँ मुझे चारज व्यक्ति मनाऊँगी एवं देखते मुझे नहीं अच्छी लवंग लवंग आपति दुई रु तीन टी लवंग नहीं पारे जदि जड़े व्यक्ति मनाऊँ जदि अधिक व्यक्ति मनाऊँ तेल अधिक नहीं पारे किंतु ध्यान रखिए शुखिला मसलार अधिक प्रयोग करें ना न पेट गरम होता है फाड़े लेंबू नहीं अच्छी एठार मुझे किसी गुड़ नहीं अच्छी तुलसी पत्र पांच रु दस टी एठार मुझे नहीं अच्छी एक चामच चा पती नहीं अच्छी यह अटे शुंठी पाउडर जब आपखे ना तो आप अदार प्रयोग करें मुझे अच्छे एक चामच घी यही सब सामग्री प्रयोग कर आज मुझे काढ़ा बनवा शिखेबी बंधुगण दुई प्रकार काढ़ा आज मुझक बनवा शिखेबी जहाँ आपण पेट को थंडा रखा सहित आपण इम्यूनिटी सिस्टम को बुस्ट करेंगे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए जहाँफल आपण विभिन्न प्रकार बाह्य संक्रमण बंच रे तेज विलंब नक चलत जाना यह आपति बनवे काढ़ा बनवा आरंभ करने पूर्व आपड़ शुखिला सामग्री जीक अच्छी तहार गुंड प्रस्तुत करमती गोलमरीच बड़ी इलायची दालचीनी खंड लवंग यहाँ संपूर्ण गुंड करें ना यहाँ दर छचा भाव कुटी दिंतु तेज चलत कुटी ने देखु बंधुगण मुझ शुखिला मसला सब को हालाका छेची नेली एवं चलत जाना आपड़ यही काढ़ा को केमी बनवे और आपड़ यार सेवन केमी करेंगे प्रथम आपड़ एमती एक पात्र गैस बसातु से छ कप पानी ढालतु बंधुगण पा हालाका फुटीगला आपड़ पूर्वर कुटी रखि शुखिला मसला गुंड को ये पकातु एवं आपड़ ए पूर्वर प्रस्तुत गुंड कर रखि शुंठी पाउडर एक चामच पकातु जदि शुंठी पाउडर आप तेज आप अदार प्रयोग करें शुखिला अदार शुंठी पाउडर प्रस्तुत करम्यूनिटी सिस्टम को बुस्ट करने बहुत अधिक लाभदायक अटे आपड़ यही काढ़ा बनवाई शुंठी पाउडर प्रयोग निहाती करूँ एवं बंधुगण आपड़े पांच रु दस टी तुलसी पत्र पकातु तुलसी पत्र इम्यूनिटी सिस्टम को बुस्ट करने के लाभदायक यह तो आप समस्ते जानते तुलसी पत्र प्रयोग आपने ही काढ़ा निहाती करूँ एवं बंधुगण आपने एथिरे गुड़ प्रयोग करूँ मुझ सर्वदा कहे गुड़ प्रयोग करने जदि आप चाहिए तेज चीनी प्रयोग करें स्वाद अनुसार गुड़ प्रयोग आपतु कि गुड़ आम स्वास्थ्यपी बहुत अधिक लाभदायक होता है गुड़ एमती प्रकार पोषक तत्व था जहाँ आम इम्यूनिटी सिस्टम को बुस्ट करें आपण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई थाए एबे बंधुगण आमे एही काढ़ा को 20 मिनिट पर्यंत भल भाव फुटेबा जो सब सामग्री एथिरो प्रयोग कले जमी से समस्त पोषक तत्व ये पानी आसीज से आपड़ यहाँ 20 मिनिट पर्यंत भल भाव निहाती फुटातु देखो बंधुगण 20 मिनिट आम यहाँ भल भाव फुटेदे
ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କାଢ଼ା ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପକେଇ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି କାଢ଼ାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧା ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଅଧା ଅଲଗା କରି ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଚାହାପତି ପକେଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକି ଫୁଟେଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘିଅ ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମ ପେଟକୁ ଗରମ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶେଇ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇବେ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଗରମ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଏହି 2ଟି ଯାକ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ କାଢ଼ାଟିକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚାହାପତି ପକେଇ ଫୁଟେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାଢ଼ାର ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଢ଼ାର ସେବନ କରାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବି ରୋଗ ଧରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି କାଢ଼ାର ସେବନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ନିହାତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାଢ଼ାର ସେବନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3ଥର ଏହି କାଢ଼ାର ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଢ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇ ଫୁଟେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନରେ 2ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହି କାଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 2ଟି କାଢ଼ା ବନେଇବା ଶିଖେଇଲି ତାହାକୁ ବନେଇ ଆପଣ ତାହାର ନିହାତି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।